रतन टाटा के निधन से अडानी अंबानी को लगा सदमा, निधन की खबर सुन ऐसे जताया दुख। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज क्रैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। मैंने आज एक प्रिय मित्र खो दिया। अंबानी कहता है कि यह भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना सिर्फ टाटा समूह ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के जाने से मैं बेहद दुख में हूँ क्योंकि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। उनके साथ हुई कई मुलाकातों में हर बार मुझे प्रेरित किया, ऊर्जा दी और उनके अपनाए हुए मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा, रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी और परोपकारी थे जो हमेशा समाज की अच्छाई के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा, रतन टाटा के जाने से भारत ने सबसे पुत्र और दयालु बेटे को खो दिया है। टाटा ने भारत को दुनिया के सामने रखा और दुनिया की अच्छी चीजों को भारत लेकर आए। उन्होंने टाटा घराने को संस्थागत बनाया और साल 1991 में टाटा समूह संभालने के बाद इसे 70 गुना बढ़ा दिया। आगे कहते हैं, रिलायंस नेता और अंबानी परिवार की तरफ से मैं टाटा परिवार के शोकाकुल सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। वही अडानी ने कहा कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। वह एक्स पर लिखते हैं, रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं थे, उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मृत रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज अमर रहते हैं। ओम शांति। आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और टाटा के जीवन और कार्य का हमारी स्थिति में आने में बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ इस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति ने रतन टाटा को खोने पर अपना दुख जाहिर किया है। वैसे दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।